ये वही विशाल पत्थर है जो 2013 की आपदा में आए थे। वो गाड़ियों की लंबी लाइन लगी पड़ी है। चलूंगा। बाबा का नाम लो और आराम आराम से चलो, ऊंचाई को मत देखो कि मेरे को वहां जाना है। इतनी जय भोलेनाथ, जय श्री महाकाल। एपिसोड 3 में अब नई शुरुआत करते हैं केदारनाथ यात्रा की और कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को, तीसरे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। जैसे तैसे जैसे मैंने बताया कि यार एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि मौसम ऊपर ख़राब था, और दूसरी चीज़ ये कि रश बहुत ज़्यादा है ऊपर, तो हमें जाने नहीं दिया था क्योंकि आपकी एंट्री सुबह 3 बजे होगी। पर हमने बात करी जैसे तैसे करी कि सर हमें जाना, तो प्लीज़ ऐसा ऐसा ये है। बहुत मिन्नतों के बाद उनने हमें, हम जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सबको छोड़ दिया, 11 बंदे हम। और अब हम टैक्सी लेंगे गौरीकुंड के लिए। टैक्सी लेने के बाद सीधा हम गौरीकुंड जाकर रुकेंगे, फिर वहाँ से अपनी महादेव केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट करेंगे। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल। अपन भाई बैठ चुके हैं गाड़ी में और सारे भाई बंधु ऐसे लोड हो रखे। हाँ भाई, शक्ल नहीं दिख रही तुम्हारी। चलो भाई अंदर हो, अंदर हो, अंदर हो। और पीछे नहीं भाई, मैं यही बैठूंगा, मैं भाई फ्रंट पे बैठूंगा। ये ऐसे लोड हो गए हैं, चार बंदे बैठ जाएंगे यार। अरे भाई समझे, मजा आ रहे, तुम रह गए क्या? हाँ भाई, अब पैदल आ जाना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। चलो भैया, बोले तेरी बम 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 बम, बोले बोल शंकर भगवान की जय। तो हम निकल गए गौरीकुंड के लिए। भाई साहब अनुज जी चला रहे हैं हमारे साथ, भाई का नाम भी अनुज जी है। अब ये मत कहना 200 रुपए में इतना ही मिलेगा। सारी दिन कहानी वहां खराब होगी। कुछ शेयर करना चाहो शेयर कर दो। गौरीकुंड से पहले ज़रा थोड़ा रुक गए हैं, ट्रैफिक हो रखा है और कोई बड़ी गाड़ी आ रही हो क्या पता, इस वजह से थोड़ा नज़ारा का लुत्फ उठा लिया जाए। देखो नीचे अगर पानी की आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हो तो, लाइन लगी गाड़ियों की। ये हाँ भैया, कहाँ जा रहे हो? केदारनाथ। केदारनाथ कुछ कोई बोलेगा? गाड़ियों के बीच और जाम के बीच। अरे बहुत छोटा जाम है ये तो, हमारे अंकुर भाई चलते हुए मतलब काफ़ी बड़ा है। वो गाड़ियों की लंबी लाइन लगी पड़ी है, हम पैदल पैदल आगे आ गए, अपनी गाड़ी पीछे, अंकुर भाई हमारे साथ। तो हर हर महादेव यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है 16 किलोमीटर की और टैक्सी से उतर के हम चल रहे हैं बाबा केदारनाथ का धाम। यार लाइन लगी हुई है बहुत तगड़ी, ये लाइन है टैक्सी के इंतजार में लगी पड़ी है। टैक्सी की लगी लाइन ये, हाँ काफ़ी लंबी लाइन है। यार खाने पीने की दिक्कत कुछ नहीं है, आप खीरे वगैरह सब मिल जाएंगे, खाने की तो टेंशन लो ही मत आप। और लगता है हालत ख़राब होने वाली है। और ये दम चल रहा है, हल्का सा ऊपर आती है आपको घोड़े कच्चर मिल जाएंगे और छोटा सा प्यारा सा झरना, तो सामान लोड करा जा रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा के दरबार पे चलते हुए जितने भी लोग आप देख रहे हैं, ये अपने रिटर्न हो रहे हैं, इन्होंने दर्शन कर लिए बाबा भोलेनाथ के। अब हमारी बारी है, प्यारा सा व्यू। ये जितनी भी बाइक आप देख रहे हैं, स्कूटी बाइक, ये सारी यूके प्लेट्स हैं, मतलब यहीं के लोकल हैं, अलाउड नहीं कर रखा। हम पीछे
बिलेरो में बैठे हुए थे, अभी इन्होंने पीछे हमें ड्रॉप किया है। अब हम चढ़ाई कर रहे हैं यहाँ से। बोले अंकुर भाई हमारे साथ, ठंडा मिल गया हमें। ये देखो, ये रे घोड़े खच्चर, इधर जरा बच के बेरा लात भी मार देते हैं। हाँ पूछते नहीं, लात मार देते सीधा। और वो देखो उधर जाना है हमें, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और 4:40 हो रहे हैं, देखते हैं हम केदारनाथ कब तक पहुँच पाते हैं, क्या टाइमिंग रहती है, क्या स्पीड रहती है हमारी। बम बोले बम बोले। और हमारे रमन भाई बैग टांग रख चल रहे हैं। ओए 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 खच्चरों से सावधान। सही कह रहा है, हाँ तकरीबन 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं। और मौसम भी अभी ठीक ठाक है, बारिश हुई नहीं है। और ये आ रहा है हेलीकॉप्टर। ओहो हो गया, दो दो जा रहे हैं। ये वही विशाल पत्थर है जो 2013 की आपदा में आए थे और ऐसे अटके हुए हैं। क्या भयानक रूप है इनका। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा केदारनाथ। और 6 किलोमीटर कवर कर लिया है, स्पीड हमारी अच्छी है एकदम। और शाम हो चुकी है, चल रहे धीरे, बाबा का नाम ले लेके आराम आराम से चलूँगा। बाबा का नाम लो और आराम आराम से चलो, ऊंचाई को मत देखो कि मेरे को वहाँ जाना है, इतनी ज़्यादा यार इतना ऊपर है, आराम से चलते रहो। नहीं थकान बिल्कुल नहीं होगी आपको, थकान बिल्कुल नहीं रहेगी। और ऐसा फील होगा जैसे मतलब कोई बुला रहा है कि अपने पास क्या हो। ऊपर जा रहे हैं, वैसे थोड़ी हल्की ठंड भी स्टार्ट हो रही है। हाँ थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है, प्लस जैसे मैंने बोला यहाँ यहाँ चाय वगैरह सब आपको उपलब्ध मिलेगा, बट घर वाला स्वाद नहीं मिलेगा। हाँ घर वाला स्वाद नहीं मिलेगा, बाकी यहाँ हर चीज़ महंगी है। बाकी यहाँ की चॉकलेट आपको 20 की मिलेगी, 20 वाली 40 की मिलेगी। हाँ ये बात बिल्कुल सही कही योगेश ने, यहाँ जीएसटी के साथ दिया जाता है, जो भी दिया जाता है। बात होते भी कितने ऊंचाई पे जाते हैं उतना उनका रेट हाई हो जाता है जी। सामने ग्लेशियर दिख रहे होंगे आपको, ऊपर बर्फ जमी पड़ी है और शाम भी हो गई। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, गजब का मौसम हो रहा है। अलग ही वाइब है यहाँ की, भोलेनाथ की नगरी में आके अलग ही मज़ा आ रहा है, अलग ही फील आ रहा है। जिसे कहते हैं ना जन्नत, वो है। और खीरा खाना है क्या? एक लोहे का पुल है भाई, पूरा पुल हिल रहा है, आवाज आ रही होगी। ठंड बढ़ती जा रही है। जय भोले जय। हाँ यहाँ बैठ रहे, चल ऊपर ऊपर, वहाँ खुले बैठेंगे मजे में। भाई साहब मजा आ रहा है, कुछ भी कहो। और थकान भी हो रही है लेकिन पसीने नहीं आ रहे, पसीने की क्योंकि ठंड भी है। हाफ पीरियड पहन रखी है मैंने, क्योंकि जब तक चढ़ाई रहेगी तब तक मैं ऐसे ही रहूँगा, ऊपर जाके जैकेट वैकेट निकालूंगा। और सबसे आगे प्लस हमारे ग्रुप में सबसे आगे हम, मैं और रमन ही चल रहे हैं। रमन चाय ऑर्डर कर रहा है और हम नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। हाँ 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 मज़ा आ गया भाई साहब, जय भोले। रमन भाई और मैं सबसे आगे, जय भोलेगी। और नमकीन खाएंगे, चाय पियेंगे थोड़ा सा। अच्छी जगह पहुँचे हैं हम, मौसम आप सब देख ही सकते हो। मौसम तो भाई साहब मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम है। लेकिन ये है कि बस बारिश ना हो, लेकिन बारिश अगर हो भी ना हो, बारिश अगर हो गई तो उसके लिए भी हम तैयार है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बारिश हो गई तो हम भीग जाएंगे, उसके लिए तैयार है, रेनकोट वगैरह सारे हर चीज़ है। बाकी हम बंदों का वेट कर रहे हैं। ये लोहे का पुल देख रहे हो जो आप, कम से कम 5-6 किलोमीटर ये पूरा चलोगे ना पूरा पुल हिलेगा। ये 5-6 किलोमीटर हाँ भाई 5-6 किलोमीटर समझ लो कम से कम। भाव कतई तकड़ा ही है। और ये दूसरा लोहे का पुल, रात हो रही है तो इसमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर इतना भी मुमकिन हो सके मैं आपको सब दिखा रहा हूँ।
शिव शंभु ओम शंभु ओम शंभु।